देश में मचा है हाहाकार, विधायक चुराने में मस्त है मोदी सरकार। डरपोक तानाशाह हक मांगते किसानों से, बेरोजगार युवाओं से इतना डर गया है कि वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। उसे इतना डर है कि जनता की चुनी हुई सरकार को गिरा देना चाहता है। ध्यान भटकाने के चक्कर में अन्याय पर अन्याय किए जा रहा है। आखिर ऐसा क्या है कि जिसे मोदी सरकार छुपा रही है? आइए एक एक करके जानते हैं अन्यायकारी मोदी सरकार की वो नाकामी जिसमें वो सब कुछ गुड़ गोबर कर चुकी है। सबसे पहले मणिपुर, जहां महीनों से हिंसा हो रही है। डबल इंजन की सरकार बेपटरी हो चुकी है। कानून व्यवस्था तो इस कदर बदहाल है कि 200 बंदूकधारी एसपी के घर पर हमला कर उनका अपहरण कर ले रहे हैं। जिसके बाद मणिपुर में 27 फरवरी को सेना बुलाई गई। ये खबर दबा दी जाए, इसलिए मोदी सरकार हर वो काम कर रही है जिससे ध्यान भटक जाए। अब बात करते हैं किसानों की। दिल्ली बॉर्डर पर एमएसपी की मांग को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। कई किसान घायल हो चुके हैं, मगर मोदी सरकार इस प्रदर्शन को दबाने में लगी हुई है। कभी वो किसानों की राहों में कीले बिछा रही है, कभी गोलियां बरसा रही है, फिर भी किसान डटे हुए हैं। बेरोजगार युवा, पेपर लीक को लेकर जो प्रदर्शन अकेले उत्तर प्रदेश में हुए, उसने डबल इंजन की सरकार की पोल खोल कर रख दी। लाखों बेरोजगारों की भीड़ ने रोजगार देने के दावे को फुर्र कर दिया। इसलिए मोदी सरकार किसी भी तरह से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है, मगर ये पब्लिक है, सब जानती है, सब देख भी रही है।